48 घंटे के भीतर कर्नाटक में गला काटने की दूसरी वारदात। मंगलुरु में मुस्लिम युवक की धारदार हथियार से हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मंगलुरु के 4 इलाकों में लगाई गई धारा 144। असम में पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। गुवाहाटी समेत 4 जिलों से 11 लोग हिरासत में लिए गए। अलकायदा से जुड़कर बड़ी वारदात की साजिश की थी आशंका। बंगाल में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अब तक करीब 50 करोड़ रुपए बरामद। 4 करोड़ से अधिक का सोना भी जब्त। ताइवान विवाद के बीच बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत। ताइवान में यथास्थिति बदलने के खिलाफ अमेरिका। चीन की दो टुक आंख के साथ ना खेले अमेरिका। दोनों के बीच जल्द होगी मुलाकात। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराया। 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड 1,60,500 रुपए तक पहुंची। अमेरिका के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रोमियो की पहली खेप भारत पहुंची। कोची एयरपोर्ट पर पहुंचे पहली खेप के 2 हेलीकॉप्टर। आईएसी विक्रांत पर होगी हेलीकॉप्टर्स की तैनाती। राजस्थान के बाड़मेर में मिग 21 हादसे का शिकार। विमान में सवार दोनों पायलट शहीद। वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के घर पसरा मातम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज। बर्मिंघम में ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह बने भारतीय दल के ध्वजवाहक। कई मुकाबलों में भारत के पदक की उम्मीद। चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का रंगारंग आगाज। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। समारोह में कई हस्तियां शामिल। पहली बार भारत कर रहा है मेजबानी।